मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य के विषय में। देखिए इस चैनल पर सभी आयुर्वेदिक नुस्खे प्रसारित किए जाते हैं, आपने देखे होंगे एक से एक नुस्खा आपके पास पहुंचता है और हजारों व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। सिद्ध आयुर्वेदा एक ऐसा चैनल है जिस पर अनुभूत नुस्खे प्रसारित किए जाते हैं और सभी भाई बहन उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं और आज का जो वीडियो है वो है स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर मजबूत रहे, मैं अपना परिश्रम करने के पश्चात भी थकावट महसूस न करूं और मैं मेरी दीर्घ आयु हो यानी लंबी उम्र होनी। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, स्वस्थ जीवन लंबी आयु और आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही है, आयु को वृद्धि करना और आपको स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो आज जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं इसको आप बना करके स्वयं तैयार करें और प्रयोग करें, आपको अत्यंत लाभ आएगा। देखिए इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हमने दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और बनाने की जो विधि हम बताते हैं उस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। इसमें आपको लेना है मखाना 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खसखस 20 ग्राम, भुना हुआ चना 50 ग्राम, छुआरा बिल्कुल सूखा वाला लेना है ये भी 50 ग्राम, और मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है वो भी 50 ग्राम लेनी है, और इसमें सौंठ का पाउडर ये 20 ग्राम लेना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, मखाना 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खसखस 20 ग्राम, भुना चना 50 ग्राम, छुहारा 50 ग्राम, घाटे वाली मिश्री 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 20 ग्राम। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, मखाना और बादाम इन दोनों को हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए, यानी भूनना नहीं है, हल्का गर्म करके इनको निकाल लीजिए और इसी प्रकार से हल्का सा खसखस को भी गर्म कढ़ाई में अंत में डाल करके हल्का सा गर्म कर लेना। भुने हुए चने को भी हल्का सा गर्म कर लो क्योंकि सीलन नहीं होनी चाहिए, और छुआरे को भी हल्का सा भून सकते हैं आप, गर्म कर सकते हैं ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और आपको कूटने पीसने में सरलता रहे और बाकी जो इंग्रेडिएंट है उनको भूनने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन सबको आप पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए और देखिए कि आप का बहुत ही ताकतवर फौलादी चूर्ण तैयार हो गया। आप इसमें से 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को दूध के साथ प्रयोग करें, आप देखेंगे आपको अत्यंत लाभ आएगा, शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपना प्रतिदिन का कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे।